हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्चना हियर। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अर्चनास मैथ एकेडमी। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3। व्हाट इज गिवन हियर इन दिस क्वेश्चन? द फॉलोइंग फिगर GUNS, यू कैन से गन्स एंड रन्स, ओके। GUNS वी आर सेइंग GUNS एंड RUNS। तो हम RUNS बाद में देखते हैं, पहले GUNS देखते हैं, ओके। तो आर पैरेललोग्राम, सी दैट, ये दिया है कि ये जो फिगर दी है GUNS, ये पैरेललोग्राम है, ओके। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये जो साइड की लेंथ दी है ये सेंटीमीटर में है, दैट मीन्स 26 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। गॉट इट एवरीवन? अब हम ये करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है एक्स और वाई की वैल्यू, हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम ये पैरेललोग्राम में साइड रिलेटेड प्रॉपर्टी कौन सी है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, माने ये जो साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगी और ये जो साइड है ये इक्वल हो जाएगी ये साइड के इक्वल, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का हम यूज करके हम निकालेंगे एक्स और वाई। तो पहले हम कंसीडर करते हैं ये दो साइड्स, ठीक है। तो क्या लिखूंगी यहाँ पे मैं, एस जी, ये साइड एस जी इज इक्वल्स टू व्हाट, एन यू इज इक्वल्स टू एन यू, एंड फॉर दैट रीजन आई विल राइट अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल लेंथ की है। नाउ हियर एस जी इज इक्वल टू हाउ मच, 3x इज इक्वल टू 18 एंड यू इज इक्वल टू 18। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 बाय 3, 3 1 3 6, दैट मीन्स यू गॉट हियर एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है। Similarly, we will do for these two sides. So, here I will write SN is equals to GU. SN is equals to GU. This side is equals to this. Because opposite sides, reason kya likhenge? Same reason. Opposite sides of a parallelogram are equal. ठीक है? Now here, how much SN is equals to how much, 26 is equals to G is equals to 3y minus 1। अब आप ऐसे के ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप ऐसे करो कि इसको ये साइड ले लो तो क्या हो जाएगा, 3y minus 1 is equals to 26, okay। Now this one will go to that side, 3y is equals to 26 plus 1, I'm writing here, huh, after that. So what you will get? 3y is equals to 26 plus 1 is equals to 27. Okay? Then y is equals to 27 by 3. So how much it is? 3 1s are 3 9s are. So I will write here y is equals to how much? 9. So y you got here? 9. So you got here value of x and y. Okay, now move to the next figure. Now see in this figure, RUNS, ये parallelogram है और यहाँ पे diagonals की length दी हुई है, यहाँ पे आपको x और y find out करना है, ठीक है। तो आपने एक property और पढ़ी है कि diagonals of a parallelogram bisect each other. Bisect each other माने क्या होता है? Suppose I am writing this intersection point is O. तो bisect each other माने ये RN जो है तो equal part में RO and ON, ये दो equal part में divide हुआ है. That means you can say RO is equals to ON, ठीक है. Similarly here SO is equals to OU, ओके okay? तो यही प्रॉपर्टी हम यूज करके फाइंड आउट करते हैं वाई और एक्स. तो पहले हम यहाँ पे देखिए एक्स भी है वाई भी है, तो हमें एक साथ दोनों को फाइंड करना कर नहीं पाओगे. तो पहले हम क्या करेंगे, वाई को फाइंड आउट करते हैं. तो ये डायगोनल हम कंसीडर करते हैं, कौन सा, एस यू. सो व्हाट आई विल राइट हियर, एस ओ इज इक्वल्स टू यू ओ.
सो आई एम राइटिंग एस ओ इज इक्वल्स टू यू ओ या ओ यू आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है. एंड रीजन फॉर दैट ये यू है. एंड रीजन फॉर दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, क्या है एसओ 20 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 7. ओके, अब यहां पे आप डायरेक्ट पे सॉल्व कर सकते हो. अगर ऐसे करना है तो हमें क्या करना है, ये 7 ये साइड ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा. हियर यू विल गेट 20 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1. सो y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 20 माइनस 7 इज 13. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 13 यू विल गेट हियर. ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं. अब हमें y मिल गया है तो हम कंसीडर करते हैं अब ये वाला साइड, ये वाला डायगोनल rn. तो यहां पे हम लिख सकते हैं ro इज इक्वल्स टू on. एंड फॉर दिस रीजन You will write same. क्या? In short, I am writing diagonals of a parallelogram bisect each other. ठीक है? अब यहाँ पे this RO is equals to 16 is given is equals to ON is equals to x plus y. ठीक है, अब आपको y is equals to पता है 13. So I will write here 16 is equals to x plus 30. Okay? Now I am writing here. अब यहाँ पे 13 हम ये साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 minus 30 is equals to x. 16 minus 13 is 3. Therefore x is equals to 3. Got it everyone? Okay? So here you got values of x and one. Okay, so I hope you understood this question 8 from exercise 3.3. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.